हो, एक साल उम्र है, और जिस तरह से पूरी आप लोगों ने पूरी भागीदारी निभाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद दिया यहाँ पे? सबसे पहले तो बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद हम लोगों की तरफ से, और हम लोग महिला मोर्चा की बहनें हैं, और हमारी लगता है कि भविष्य जो है एक महिला जो है एक बच्ची ये आगे कार्यकर्ता बनेगी और शायद पद चिन्हों पे चल के देश की सेवा करेगी, और समाज सेवा से हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये लक्ष्मी का स्वरूप हमारे साथ है और हम लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया है। हम लोग एक पखवाड़ा मना रहे हैं, 8 साल मोदी जी का प्रेमी साल, और ये 14 दिनों का हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है, और उस बीच में इस बच्ची का जन्मदिन आया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है, और हम सभी ने मिलकर और इसे आशीर्वाद देने का काम किया है ताकि ये हमारे देश की भविष्य है और इसका भविष्य उज्जवल रहे और ये स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो और अपने देश के लिए जो भी बन पड़े ये करे। जी, बीजेपी की बात कर ले तो जिस तरह से उसके कार्यकर्ता काम करते हैं, ये छोटे से या बड़े फंक्शन हर जगह मौजूद होते हैं, और हमेशा से लोगों को ये भी बताते हैं भैया कि हम आपके जगह पे हर सुख और दुख में साथ हैं। क्या कहना चाहोगे वैसे लोगों जो उम्मीद भी जताती है कि बीजेपी हमारा हर जगह साथ देगी? आप सुने होंगे भाजपा परिवार जी, किसी भी पार्टी के साथ परिवार नहीं जुड़ा है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ परिवार शब्द जुड़ा है और उसका निर्वहन हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, और हम सभी कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं वो एक परिवार की तरह एकजुट रहते हैं, दुख हो सुख हो कहीं भी हम लोग एकजुट से सामना करते हैं, और इसी के कारण आज हमारी पार्टी जो है देश की नंबर वन पार्टी कहलाती है, और हमारा नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे मोदी जी, उनके दिशा निर्देश पे हम लोग अपना काम करते हैं और देश के सेवा में अग्रसर रहते हैं। बीजेपी में इस वक्त काफ़ी कोई एक बड़ी खासियत है जो देश लेवल पर देखी जा रही है, तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे लोगों को जो किसी भी धर्म या जाति या किसी भी समुदाय को लेकर काफ़ी कुछ कह देते हैं, वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि भैया? देखिए, उन लोगों से कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि हमारे मोदी जी जो भी योजनाएँ हैं जितनी भी, और हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सुकन्या योजना से लेके और भी उनके भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, वो किसी जाति धर्म विशेष को देख के वो नहीं देते हैं, तो हमारी योजनाएं सबके लिए है। अब कुछ लोग अपने सोच के वजह से ऐसा कुछ बोल देते हैं तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। क्या हम देख सकते हैं आने वाले और सालों में बच्चों के लिए बीजेपी कुछ जमीनी स्तर पे और भी कार्यक्रम है जो चलाएगी ताकि एक गांव और वैसे तबके के लोगों को भी फायदा मिले और वो भी बड़े लेवल पे जाए? अभी सबको फायदा मिल रहा है और हम लोग जागरूकता अभियान के दौरान सबको जागरूक करते हैं, और अभी जितनी भी योजनाएं हैं सबका लाभ सबको मिल चुका है और ये और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि जब लोग जब जागरूक हो रहे हैं और खुद के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, तो फिर इसमें कुछ आगे तो बहुत ही अच्छा उज्ज्वल भविष्य है। जी, जाते जाते और वैसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो कि अभी भी गरीबी के एक सीमा रेखा के अंदर में आते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई उनके फैमिली वाले नहीं करा पाते, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहोगे उन सारे लोगों को? देखिए, पहली बात तो है कि अब गरीबी की बात ही नहीं है, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, घर घर से ला के मेहनत करके और उनको शिक्षित किया जाता है, और समाज में भी संस्कार भी सिखाया जाता है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाया जाता है, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो हुनर, उनके अंदर जो भी हुनर होता है उसको निखार के, कौशल विकास योजना को ही ले लीजिए आप, जिसमें जैसा भी कौशल है उसको निखार के उसे रोजगार वो देने का काम करते हैं और 10 लोगों को रोजगार से जोड़ते भी हैं, तो इसलिए ये तो अपने देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये इस दिशा में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, एक सवाल आपसे, कैसा अनुभव रहा पहला बर्थडे था बच्चे का, इतनी सारी बीजेपी की कार्यकर्ता पहुंची, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े इवेंट आप करेंगे और बीजेपी के ऐसी बड़ी बड़ी महिला कार्यकर्ता पहुंचेंगे? जी, बहुत करेंगे। जी, धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से एक छोटे बच्चे के भी इवेंट में इतनी सारी खुशियां देखने को मिली और सारे लोग की उत्साह जो थी चरम सीमा पे थी, क्या कहना चाहोगे कि एक छोटे से चीज़ों पे भी आप लोग बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हो? एक तो बेटी है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें मौका मिला है पहला बर्थडे मनाने का, और अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार है खास करके बेटियों के लिए ही योजना लाए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, अभी 10 लाख जो महिलाओं को, लड़कियों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है आत्मनिर्भर होने के लिए, कि वो परिवार पर डिपेंड नहीं रहे और खुद वो अपने आप पैर पर खड़े हों और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पालन पोषण करें। और जब हमारी बेटी पहले जब बेटी पैदा होती थी तो थोड़ा सा लगता था कि कितना भी हम लोग, समाज बदल गया है कि हम बेटा और बेटी को एक जैसा करते हैं, सच में करते हैं नो डाउट,
हम एक जैसा पालन पोषण सब कुछ करते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो दहेज देने की बात आती है और बेटों के लिए दहेज लेने की बात आती है। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है हमारी भाजपा सरकार है, लड़कियों के लिए खास करके, जैसे जब वो जब पेट में रहती हैं तो माँ के लिए बहुत सारा ये उनको आहार के लिए पैसा दिया जाता था, कुपोषण के लिए, फिर जब वो पैदा लेती है, अगर फर्स्ट बेटी होती है तो उसको 1,00,000 रुपया मिलता है शादी में। और फिर जैसे जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि जैसे बेटी जैसे ही पैदा होती हो तो हम अकाउंट में खोलते हैं और कुछ पैसा हम जमा करते हैं और शादी में एक मोटा रकम मिलता है, जैसे हम उससे हम अपने मनपसंद का रिश्ता बेटी का कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि दी है सरकार हमारी। और इस तरह से जो भ्रूण हत्या ये सब होती है उसमें कमी आई है, अब लोग खुलकर बेटी का स्वागत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बिहार की बात कर ले तो अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई उसकी जो रणनीतियाँ नज़र आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो CM के पास पहुंच जाते हैं कि हमें पढ़ना है, और इसके बाद से सोशल मीडिया पर कहें तो लगातार चीज़ें वायरल होती है। क्या कहना चाहोगे, बिहार की शिक्षा स्तर अभी भी गिरी हुई है, या फिर कह सकते हैं अमूनन गाँव तक वहाँ तक वो जो शिक्षा है वह नहीं पहुँच पाती? देखिए, शिक्षा में बहुत सुधार आया है, खास करके देखिए पहले आने जाने की समस्या थी, उसके लिए लड़कियों को साइकिल मिली है, पोशाक मिला है, खाने की सुविधा वहाँ सरकारी स्कूल में खाना मिलता है, तब हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी लोग कुछ बोल सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत मजबूत एकदम व्यवस्था है लड़कियों के लिए। जब लड़कियां गांव में ही तो दिखती है, जब लड़कियां साइकिल पर जाकर और बगल से जब दुपट्टा लहराते हुए जाती है तो वाकई में विकास दिखता है और शिक्षा लगता है कि सच में मजबूत हुई है और हमारी बेटी आगे बढ़ रही है। जनता की तरफ से एक सवाल करना चाहेंगे, BJP कागज में बहुत मजबूत दिखती है लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं पिछड़ी नजर आती है, या फिर उनकी सुविधाएं, या फिर वैसे उनके जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं होती है वो आम जन तक नहीं पहुंच पाती, या फिर पहुंचती भी है तो कहीं ना कहीं विफल नजर आती है। क्या कहना चाहोगे, क्या तैयारियां सही नहीं चलती, या फिर अफसर जो है उन चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुँचा पाते? नहीं, ये दूसरी सरकार में होती थी, बिचौलियाँ बीच में ले लेते थे पैसा, लेकिन अभी जो मोदी जी जो है डायरेक्ट खाते में आता है, लाभार्थी को डायरेक्ट लाभ मिलता है। अब कहीं किसी से कोई नहीं होता है, कोई बिचौलिया कोई ये कर सकता है, कोई ब्लैकमेल कर सकता है, डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में आता है, जनधन खाता में आता है। पहले देखिए, जब दूसरी सरकार थी तो अमीर लोग बैंक के पीछे लाइन लगाए हुए रहते थे, गरीबों के लिए सपना था बैंक में जाना, लेकिन जब ये नोटबंदी हुआ बहुत सारा हुआ तो अमीर लोग पैसे वाले घर में दुबक गए और गरीबों की लाइनें बैंक के पास थी, तो ये सब देखने को मिला। एक और आखिरी सवाल, इस तरह से इवेंट में, छोटी छोटी इवेंट में भी BJP हमेशा से सक्रिय रही है, आने वाले दिनों में हमें और क्या देखने को मिलेगा कि जितनी भी जमीनी स्तर पर चीज़ें या कार्यक्रम रहेंगी BJP हमेशा से ही सक्षम रहेगी और उस इवेंट का हमेशा से हिस्सा रहेगी? भाजपा की एक यही पहचान है कि हम लोग कहीं भी सुख और दुख में एक परिवार की तरह भागीदारी निभाते हैं, कुछ भी काम हो हम लोग एकजुट होते हैं, जो कि अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है और आगे भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। एक और, जाते जाते लाखों लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी भी अपने बच्चे या बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, या फिर वह रोना रोते हैं कि मुझे गवर्नमेंट अभी भी सुविधाएं नहीं दे रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई अवगत नहीं है योजना से तो पता करें, क्योंकि सारी योजनाएं मिली हुई है और डायरेक्ट लाभार्थी के से पहुँचता है, लाभार्थी के पास पहुँचता है, पता करें। जैसे अगर कोई गांव से है तो मुखिया है, वार्ड पार्षद है, उनसे संपर्क करें और सभी योजनाओं का लाभ लें। मैं एक यही संदेश देना चाहूँगी और जनता को सजग होना पड़ेगा, जनता को अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। धर्मशीला शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी, बिहार महिला मंच।